नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। अब लोगों को हम लगातार दिखा रहे हैं कि चरखी दादरी के जो बच्चे हैं बड़ा ही कमाल का काम कर रहे हैं। कल भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि किस प्रकार से बाल कल्याण परिषद के द्वारा जो बाल उत्सव करवाया गया था उसमें बच्चों ने किस प्रकार से बड़ा ही शानदार अपना प्रदर्शन किया था और उसके बाद उन्होंने इनाम जीते थे और इनाम हासिल किए थे। ऐसा ही एक मामला और आज हमारे सामने है। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं चरखी दादरी के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खड़ा हूँ और यहाँ पर आप मेरे साथ यहाँ पर ये गुड़िया देख रहे हैं। ये बिटिया ने स्टेट लेवल पर अपना झंडा गाड़ा है। हालांकि कल्चरल एक्टिविटीज़ में ही ये चीज़ें हैं, पढ़ाई का तो हम बेटी से बाद में बात करेंगे, लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी अपना झंडा गाड़ना ये छोटी बात नहीं है। स्टेट में सेकंड पोजीशन इन्होंने हासिल की है हरियाणवी फोक डांस में और चरखी दादरी का ये स्कूल लगातार बच्चों को आगे बढ़ा रहा है और उसी स्कूल की ये बच्ची है। और इसी से ज़रा जानेंगे कैसा कंपटीशन रहा था, किस प्रकार से तैयारी की थी, क्या कुछ मेहनत लगा करके ये जो सेकंड पोजीशन आ रही है। बेटा क्या नाम है? रितु सर। कौन सी क्लास में हो अभी? 12th में। देखो भाई, हाइट पे मत जाना, शकल पे भी मत जाना, 12th की बच्ची है। और बेटा कितने टाइम से अभी ये सीख रहे थे और ये जो हासिल किया है सेकंड प्राइज स्टेट लेवल पर, कैसा लग रहा है? पहले तो वही, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमें स्टेट लेवल के प्रोग्राम के बारे में 2 दिन पहले ही बताया गया था। हमने 2 दिन पहले ही, हमारे सर ने इतनी बारीकियों से मुझे तैयारी करवाई थी, तभी मैं स्टेट लेवल में मेरा झंडा गाड़ पाई हूँ सर। जी, झंडा गाड़ पाई है। और यहाँ पर देख लीजिए बेटी की स्माइल देख करके आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छी प्रकार से इसने ये चीज़ बोल दी है और बड़ा ही आसानी से, क्योंकि काफ़ी टाइम से शायद ये मेहनत होगी तभी ये इतनी अच्छी स्माइल आ रही है और वो जो सेकंड पोजीशन है वो हासिल कर पाए। बेटा कब से सीखना स्टार्ट किया था और कहाँ से सीख रहे हो? मैं यहाँ स्कूल में 7th क्लास में आई थी ना, तब से मैंने डांस स्टार्ट किया है और कामिल सर के द्वारा ही मैं ये डांस सीख रही हूँ। तभी 7th क्लास से अभी तक? हाँ, लगभग 5-6 साल हो गए। हाँ सर। तो अभी 5 साल से जब आप ये पूरा डांस सीख रहे हो तो क्या कुछ सीख चुके हो, क्या कुछ आगे का आप सोचा है, उस सीखा हुआ कहाँ पर उसको अप्लाई करने वाले हो? मैं आगे चलकर म्यूजिक की टीचर बनना चाहूँगी। म्यूजिक टीचर? वाह जी वाह। देखिए अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। और पढ़ाई का क्या? अच्छी चल रही है सर पढ़ाई भी। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट्स ले रखे हैं? कॉमर्स है मेरे पास, बिजनेस अकाउंट, इंग्लिश, मैथ और संस्कृत है मेरे पास, और तो एडिशनल मेरे पास म्यूजिक भी है। अरे वाह जी वाह, म्यूजिक एडिशनल ले लिया है। मिटिया ने अपना जो पैशन है उसको फॉलो कर रही है, तो ये म्यूजिक स्टार्टिंग से ही सोच रहे थे कि इसी में आगे बढ़ना है। हाँ सर। तो अभी जब पंचकुला गए आप, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पंचकुला में कला उत्सव के नाम से कार्यक्रम किया गया था जिसमें पूरे हरियाणा भर से जो बच्चे आए हुए थे और उन हरियाणा भर की टीम से लगभग जो 22 हमारे जो ज़िले हैं उन 22 टीमें जो वहां पे आई थी उसमें सेकंड पोजीशन हासिल किए। तो आप ये मान के चल लीजिए कि 20 टीमों को तो इन्होंने भी हरा दिया है, तो बड़ी बात है। तो बेटा वहाँ पर कितना टफ कॉम्पिटिशन था, किस प्रकार से उसमें आप अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है वो बना करके रख पाए और तब वो सारा अच्छा डांस कर पाए हो? वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन था सर, मैंने सभी टीमों का डांस देखा था। फिर टीमों का डांस देखते हैं तो अपने आप में ये एनर्जी आ जाती है कि मुझे इनसे अच्छा डांस करना है, इसलिए मैं अच्छा डांस कर पाया। अपने आप एनर्जी आ जाती है? हाँ सर। जी, अपने आप एनर्जी आती है। और यहाँ पर देखिए हमारे साथ पुष्प मैम भी यहाँ पर हैं जो इनके साथ में स्कूल की तरफ से इनके इंचार्ज हैं और वो इनके साथ ही जाते हैं और इनसे भी ज़रा जानेंगे। और साथ में हमारे साथ कामिल जी भी हैं जो बिटिया को लगातार पिछले काफ़ी समय से वो डांस सिखा रहे हैं और स्कूल के माध्यम से ही सिखा रहे हैं। देखिए बाहर तो नहीं लिया ना बेटा कहीं पर कोई ट्रेनिंग वगैरह? स्कूल में ही किया, केवल स्कूल में। तो गवर्नमेंट स्कूल अच्छा करवा रहा है? बहुत अच्छा करवा रहा है। जी बहुत अच्छा करवा रहा है। पुष्प मैम की क्या कहोगे, बच्ची ने बड़ा ही कमाल कर दिया है, इतना झंडा गाड़ दिया है। ये बच्ची बहुत होनहार लड़की है सर, ये नहीं मेरे स्कूल के, पूरे स्कूल की लड़कियां बहुत होनहार हैं और मेरी सारी जो भी जो है ना 94 से और अब तक इसी स्कूल की रही है और मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। जी वाह जी वाह, देगी इसी स्कूल से टीचर लग चुकी है और यहाँ पर दूसरी बच्ची यहाँ पे देख रहे हो आप जो आज का आगे भविष्य में
खुद कह रही है कि मैं आने वाले समय में म्यूजिक टीचर बनना चाहती हूँ। तो देख लीजिए, आप भूतकाल भी देख सकते हैं, वर्तमान भी देख सकते हैं, और किस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहा है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। जी मैम, सर हम पूरी मेहनत करते हैं, बिल्कुल जब भी हमारे प्रोग्राम आते हैं मैं बच्चों को तुरंत तैयार रखती हूँ और इनकी बहुत अच्छे से मेहनत करवाती हूँ और बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। स्कूल पूरी सपोर्ट करता है फिर इनको? हाँ, स्कूल ठीक अधिकारी करते हैं सर। स्कूल तो हो सकता है एक आधी बार हमें थोड़ा सा अपने लेवल पर भी कुछ कर लेते हैं सर, अपने लेवल पे भी। अगर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार? जी जी, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, जहाँ जाती हूँ घर से लेती हूँ, बच्चों को घर छोड़ती हूँ वापिस, और प्रोग्राम में बच्चों के साथ रहती हूँ, इसलिए पेरेंट्स का जो है ना पूरा विश्वास है। और जब भी मैं बच्चों को बुलाती हूँ बच्चे मेरे पास हाजिर होते हैं। अगली टारगेट क्या लेकर चले हुए हो, क्योंकि बिटिया ने तो एक तो झंडा गाड़ दिया है, सेकंड पोजीशन हासिल कर लिए, तो अब अगला टारगेट क्या, फर्स्ट पोजीशन हासिल करना है? सर फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो हमारी बहुत बार आ चुकी, मेरा है नेशनल, अब के नेशनल मिले बच्चों को जी। और नेशनल में भी हमारी बच्चे पोजीशन लेके आए, ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। बिल्कुल जी, देखिए बड़ा एक टारगेट यहाँ पर ले लिया है कि नेशनल में पोजीशन आए। यहाँ पे और भी है जी। जी मैम बताएं। सर यहाँ जब भी मैडम के पास कहीं से फोन आता है प्रोग्राम के लिए, मैडम उसी समय अपनी टीम को तैयार करती है और पूरे होश जोश से लग जाती है। शाम के चाहे 7 बज जाओ, कई बार तो हमारे जैसे टीचर्स को भी साथ रख लेती है और इनका तैयार करके ही घर जाती है। बहुत ज्यादा मेहनत करती है। देख लीजिए मैम की मेहनत, देख लीजिए बिटिया की मेहनत, देख लीजिए, और इस सारी मेहनत के पीछे जो जाहिर सी बात है जो सिखाने वाले गुरुजी होते हैं उनका बड़ा हाथ होता है। कामिल भाई क्या कुछ बच्चे को सिखा रहे हैं जो इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर पा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से आप शायद इस स्कूल में ये म्यूजिक का काम बच्चों को सिखा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, मैं सर लगभग 99 से स्कूल में आ रहा हूँ और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक ही स्कूल में इतने साल टिक पाना। बहुत बच्चे यहाँ से सीख के मेरे से टीचर भी बन चुके हैं बहुत सारी लड़कियाँ, और जो भी बैच आता है मेरे पास म्यूजिक का फ्यूचर अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी लड़कियाँ हैं जो म्यूजिक टीचर बनी हुई हैं, ठीक है, जो मेरे से सीख के गई हैं, और इस स्कूल में मेरे पास जो भी बैच आता है वो बहुत अच्छा बैच आता है। बच्चे 6ठी क्लास से मेरे पास आते हैं यहाँ पे, और वो प्लस टू तक, 10th प्लस 2 तक ऐसे हो जाते हैं निखर के। उनकी जो कलाकारी है, जो उनकी विधा है, उनको मैं ऐसे तराश देता हूँ कि वो बच्चे कॉम्पिटिशन लायक, लड़ने लायक हो जाते हैं और काफ़ी जगह जीत के आते हैं। और मैडम पुष्पा मैडम का बहुत इसमें साथ रहता है। मैम पूरा अच्छे से बच्चों का ख्याल रख रही हैं, बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि प्रिंसिपल मना भी कर देता है टीम को भेजने के लिए, लेकिन मैडम अपने बलबूते पे टीम लेके जाती है। अच्छे बच्चे नहीं हमने तो टीचर्स को भी अपना बिल्कुल ऐसा बना लिया साथ। ऐसी बात नहीं है सर, ये इनका स्नेह है। ये कहते हैं कि मैडम मैं आप हो तो मैं काम करूंगा वरना मैं दादरी छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, तो सिखाना आगे भी बच्चों को सिखाना, ऐसी बात नहीं। मैं नहीं, कोई और आएगा, मैं रिटायर तो एक दिन होना होता है सभी को, लेकिन कहता है नहीं मैडम मैं ऐसा नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात ये है सर हमारी, जैसे जो भी प्रोग्राम होता है हम कोशिश करते हैं अपना गीत खुद ही लिखते हैं और खुद ही कंपोज करके और हमारे स्कूल के बच्चों से रिकॉर्ड करवाते हैं। जी वाह जी वाह, देखिए कमाल की बात है। मैम आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रही थी सर, देखो सने तो कामिल सर का है ही पुष्पा मैडम के साथ, फिर सबको पता है सर सबके चूल्हे माटी के हैं, तो इनका चूल्हा भी इसी उससे प्रोग्राम से चलता है। तो पुष्पा मैडम इनको आर्थिक रूप से पूरी सहायता करती हैं, पूरे स्कूल से ही नहीं अपनी पॉकेट से भी इनके अलग रूप से सहायता करती रहती हैं, इसलिए ये पुष्पा मैडम के उससे आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। कमल भाई एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, कला उत्सव जैसे तो एक कला के लिए अलग से डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, तो उन डिपार्टमेंटों से कहीं आप लोगों को कुछ हेल्प मिल पाती है या नहीं मिल पाती? सर देखो डिपार्टमेंट से तो कोई हेल्प नहीं मिल पाती हमें, लेकिन हम डिपार्टमेंटों से और अपनी हरियाणा सरकार से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जैसे कोई भी विधा होती है, जैसे आप मान लो कला उत्सव है, कल्चर फेस्ट है, SCRT है, या और जैसे भी कोई भी इवेंट होते हैं, तो जैसे जजों की बड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि जज इस तरह के बैठा दिए जाते हैं कि जिनको फोक के बारे में पता ही नहीं। अच्छा, मतलब ये देखिए बहुत सोच समझ के बैठाते होंगे वैसे तो जो विभाग वाले हैं, आप बड़ा आरोप लगा रहे हो। ऐसी बात नहीं है सर, हमने बहुत सी जगह देखा, अभी पीछे भी रेवाड़ी में एक मुद्दा उठा हुआ था, एक राकेश भाई है उसने भी जजों के ऊपर उंगलियां उठाई हुई थी। मैं अपनी हरियाणा सरकार से या अपने डिपार्टमेंट से यही विनती करूँगा कि जो भी इवेंट हो या जो भी प्रोग्राम हो उसमें जजों को थोड़ा सोच समझ कर बैठाएँ ताकि बच्चों की जो कला है वो आगे तक जा सके, क्योंकि अपनेपन में सर देखो उसमें बच्चों की कला को मारा जाता है।
अब हरियाणा सरकार है, हमारे डिपार्टमेंट है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम अपने फोक को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जजों को बिठा के वो अपनी कला को बढ़ावा नहीं, अपनी फोक विधा को मार रहे हैं। अच्छा, मतलब जो जज बैठता है उसको नॉलेज ही नहीं होती उस चीज की? बिल्कुल नहीं होती सर, ये तो बस वैसे ही हो गया जैसे अभी खेलों में हो रहा है कि अभी कुश्ती का चल रहा है कि कुश्ती में केवल वही लोग आए कि जिनको नॉलेज हो, जो खिलाड़ी हो, और उसमें भी राजनीतिक लोगों को बैठा दिया जाता है, तो क्या ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बल्कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा ये धांधलेबाजी हो रही है। अभी पीछे SCRT हुआ था, उसमें भी ऐसे ही गुड़गांव में ऐसे जज बैठा रहे थे जिनको कोई नॉलेज ही नहीं थी। नहीं, मेरे को भी कम से कम सर 25-30 साल हो गए, पूरे हरियाणा में मेरे को आर्टिस्ट जानते हैं। तो वहाँ पर आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? जब आवाज उठाएं तो कुछ वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है? देखो, इसमें आवाज उठाने का हमारा कोई महत्व नहीं बनता, क्योंकि हम कोई सरकारी टीचर नहीं है, हम सिर्फ अपना काम करने जाते हैं, हमें पेमेंट मिलती है, हम क्यों आवाज उठाएं? ये तो अधिकारी आवाज उठाए ना। लेकिन देखो, ये कहते हैं कि अधिकारियों को लिखित में देते हो आप कभी? कुछ नहीं, कुछ नहीं देते सर। तो कभी दे करके देखो, हो सकता है शायद कार्रवाई हो जाए। नहीं, दिया भी हमने, अधिकारियों को लिख के भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन देखो, अभी कोई भी प्रोग्राम होता है, निर्णय तो जनता ही निकाल देती है कि भाई कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है। और हमारी बिटिया के साथ भी अभी ऐसा ही हुआ है। अच्छा, अभी भी? हाँ, अभी भी जो बिटिया जो ये अभी सेकंड आई है, ये फर्स्ट पोजीशन पे थी, ऑडियंस ने भी पूरी ने बोल दिया था कि बिटिया फर्स्ट है, लेकिन क्या हुआ, रातों रात रिजल्ट चेंज हो गया। अच्छा, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा अपनी अधिकारियों से या अपने हरियाणा सरकार से कि निर्णायक मंडल जो है भाई, जहाँ पर अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, निर्णायक मंडल को जो जजमेंट है उसका पर्चा लेके अंदर जाते हैं, वो रातों रात रिजल्ट चेंज होता है। नहीं तो नहीं सुनाया जाता कभी भी रिजल्ट, कभी नहीं सुनाया जाता सर। वो क्या करते हैं, निर्णायक से रिजल्ट तैयार करवा के अंदर ले जाते हैं, अंदर 1-1.5 घंटा उनकी मीटिंग होती है, उनकी बहस होती है। अभी पीछे कल्चर फेस्ट हुआ था, कल्चर फेस्ट में भी इसी नंबर तो मेरे ख्याल से तुरंत ही लगा दिए जाते हैं ना, मैम सही कह रहा हूँ सर? नंबर तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन जैसे हमें यूँ बता दिया 26 को, तीन टीमें बता दी कि ये तीन टीमें पोजिशन में है, लेकिन जब हम 27 को गए तो रिजल्ट हमें कुछ और ही मिला, रिजल्ट ही बदल दिया। ये होता है सर, नहीं तो रिजल्ट। ये बड़ी बड़ी राजनीतिक चीज दिखाई दे रही है तो, क्योंकि अगर इस तरह की विधाओं में भी जहां बच्चों का जो फ्यूचर कहीं ना कहीं बन रहा है, अब जैसे ये बिटिया ही है, ये म्यूजिक टीचर बनना चाह रही है, तो अगर इसको अभी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो आगे फिर कैसे मिलेगा? ये शायद इस लाइन को छोड़ जाए अगर ऐसा होगा तो। बेटा, कुछ लगा आपको भी कि ऐसा कुछ हो गया कि आपके साथ भी, कि जहाँ आपका फर्स्ट पोजीशन थी या वहाँ पे अब आपको सेकंड दे दिया गया? हाँ सर, पीछे जनता बैठी थी ना, उन्होंने तो कह दिया था कि आपका अच्छा था डांस, आपका मैंने फर्स्ट निकाल दिया, थी जज कुछ भी निकाले, लेकिन अगले दिन ही सेकंड पोजीशन पाई, मेरी पोजीशन बदल दी। देखिए, वैसे जनता का शायद डिसीजन और शायद जजों का कुछ अलग हो सकता है जी सर। रिजल्ट का ये है कि अगर आप रिजल्ट दे रहे हो, उसी टाइम आप रिजल्ट अपना काउंट करके, तीनों के काउंटिंग करके और रिजल्ट सुनाओ जी, चाहे हमें प्राइस 2 दिन बाद मिले, लेकिन 1 दिन के बाद सुनाया जाता है सर। अच्छा। ऐसे ही मान लो जैसे कल्चरल फेस्ट में गए थे कुरुक्षेत्र, वहां 3 घंटे के लिए रूम में बंद कर दिए, तीनों जज उठ गए और अपनी फाइल उठा के और ले गए, और 3 घंटे बाद उन्होंने 12 के रिजल्ट दिया। ये फेयर नहीं हो सकता सर। बिल्कुल, इस तरह की जो चीजें हैं बिल्कुल फेयर नहीं हो सकती। SCRT में भी ऐसे ही, SCRT गुड़गांव में भी ऐसे हुआ, उन जजों ने क्या नाम है 1-1.5 घंटे मीटिंग की है, और SCRT में तो ऐसे जज बिठा रहे थे जिनको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी अपने फोक के बारे में। तो अब ऐसे फोक अगर हमारा ऐसे ही मारते रहे लोग तो ऐसे फोक को बढ़ावा नहीं मिलेगा, ऐसे तो फोक हमारा बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का क्या होना चाहिए? हम तो यही कहते हैं कि सर, जैसे जो बच्चों के अंदर टैलेंट है, जो देखो जिस बच्चे का फर्स्ट है, जो डिजर्व करता है बच्चा, उसको ही उसका हक मिलना चाहिए, उसका हक नहीं मारना चाहिए इसमें, चाहे कोई भी हो। लेकिन और सबसे अहम भूमिका जजों की होती है, जज एक निष्पक्ष रूप से बैठाया जाना चाहिए, उसी कैटेगरी से ही बैठाया जाना चाहिए, उसी कैटेगरी से बैठाया जाना चाहिए। अगर फोक है, फोक में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं खुद MA म्यूजिक हूँ, BEd हूँ MA से, और क्या नाम है, मैं अच्छी नॉलेज रखता हूँ, मेरे को पता है कि कौन क्या है। आप भी जाते होंगे कुछ जगहों पर जजिंग करने के लिए? बिल्कुल जाते हैं सर, लेकिन वहाँ ऐसा होता है हम किसी के साथ सर न्याय नहीं करते, हम जो न्याय नहीं करते, अन्याय नहीं करते सर। अच्छा। सॉरी, हम सबके साथ न्याय करते हैं, हमें अगर फोर्स भी किया जाता है तो हम किसी के मानते नहीं है, हमें जो डिजर्व बच्चा दिखता है हम उसी को उसका हक देते हैं। लेकिन मैं यही चीजें दूसरे भी तो जो जज जाते होंगे वो भी यही कहते होंगे सर। मैंने तो देखो, मैं बहुत सी जगह गया हूँ, कभी कोई दबाव आपके ऊपर आया? नहीं, दबाव भी नहीं आया कोई, लेकिन क्या है कि अगर कोई आवाज उठाता है जजों के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, उसकी आवाज को मार दिया जाता है, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है आवाज उठाने का। मैं तो अपनी हरियाणा सरकार से यही
गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने फोक को मारा ना जाए, अपने फोक को उभारा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही कहेंगे कि फोक को या जो भी किसी भी तरह की कला है उसको मारा नहीं जाना चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो उनकी एक्चुअल में जो पोजीशन है उसी को लेकर के आगे उनको बताना चाहिए और साथ ही साथ बताना चाहिए। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है उसी के साथ वहाँ पे अनाउंस होना चाहिए और जिससे कि बच्चे का पता चल सके कि वो किस पोजीशन पे है। एक दिन बाद या दो घंटे तीन घंटे के बाद बताया जा रहा तो कहीं ना कहीं धांधली के चांस हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जैसे कि अभी कामिल जी ने कही है कि जो जज बनाए जाएँ वो उसी विधा से हों, उसी कला के वो एक्सपर्ट हों, ताकि उनको पता हो कि उस कला में किस प्रकार से नंबर दिए जाने हैं, किस प्रकार से सारी चीज़ें किए जाने हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिटिया ने बड़ा ही कमाल कर दिया है, चरखी दादरी से बिटिया है और चरखी दादरी के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में इस वक्त हम मौजूद भी हैं, इसी स्कूल से पढ़ रही है, काफ़ी समय से इसी में पढ़ रही है और यहीं से तैयारी करके और इसने अपना जो है झंडा पंचकुला में गाड़ दिया है, स्टेट लेवल पर सेकंड प्राइज जीत कर। तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और आगे आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी आगे तैयारियाँ जा रही है ना? यस सर। जी तैयारियां जा रही हैं तो हम भी लगातार जो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप तक हम भी पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। जी मैम कुछ कहना चाह रही जी? सर ये गुड़िया ना पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होनहार लड़की है ये, डांस के साथ साथ पढ़ाई में भी इतना अपने बहुत अच्छा उत्कृष्ट कर रही है स्कूल के अंदर। जी बहुत बढ़िया जी, ये देखिए पढ़ाई में भी अच्छा कर रही है तो बहुत बढ़िया है, ऑलराउंडर बच्चा होना भी चाहिए। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज को। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सुमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज के लिए।